गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, दैट इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. ठीक है, सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट आई थिंक एवरीबडी नो, पता नहीं, आई थिंक बोलती हूँ हमेशा, पता है कि नहीं पता, इलेवंथ वाले स्टूडेंट्स स्पेशली, आपका जो रेस्पिरेशन है इट इज द कनेक्शन टू द रिलीज ऑफ एनर्जी. रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, आपका जो फूड है इसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है. मतलब आपको जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ऑल द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेस, इट कम्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सम बायोमोलिक्यूल्स दैट आर कॉल्ड फूड. मतलब आपका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस इज कनेक्टेड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी. आपके रेस्पिरेशन के अंदर आपकी एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी रिलीज होती है, ये जो एनर्जी रिलीज होती है इस रेस्पिरेशन के अंदर ये कहां से आती है, इट कम्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. मतलब जितनी भी एनर्जी आपको जरूरी है फॉर द लाइफ प्रोसेस, ये सारी एनर्जी आपको कहां से मिलती है, इट कम्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सम बायोमोलिक्यूल्स दैट आर कॉल्ड फूड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है आपकी कि आपको मतलब एनर्जी चाहिए तो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, क्योंकि एनर्जी कहां से मिलेगी आपको, फूड के ऑक्सीडेशन से. तो आपको एनर्जी को मिलने के लिए, टू गेट द एनर्जी, आपको फूड की रिक्वायरमेंट होती है. देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब उसमें से जो प्लांट है, प्लांट क्या करते हैं, स्पेशली जैसे कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. जबकि जो एनिमल्स होते हैं, दे आर हिटरोट्रॉफ्स. हिटरोट्रॉफ मतलब दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड. तो उसमें से कुछ एनिमल तो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, उन्हें अपन बोलते हैं हर्बीवोर. और जो एनिमल इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, उन्हें अपन बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल. इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी एवरीबडी नो, अपन लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ा है ये कि कार्निवोरस प्लांट नहीं खाते, एनिमल को खाते हैं. लेकिन वो एनिमल जो हर्बीवोर होंगे तो उनको एनर्जी मिली प्लांट से, तो इनडायरेक्टली मतलब कार्निवोर भी दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड. ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट. में सबसे पहला इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सबसे पहला पॉइंट लिखिए आपको, ये जो रेस्पिरेशन है इट इज कनेक्टेड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी ये एनर्जी जो रिलीज होती है ये कहां से होती है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड के ऑक्सीडेशन से. मींस आपको जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ऑल द एनर्जी जो कि आपको लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए रिक्वायर्ड है, ये कहां से आती है, इट कम्स फ्रॉम द सम बायोमोलिक्यूल्स जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, फूड. ठीक है, तो ऑल द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेस
कम बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम बायो मॉलिक्यूल्स कॉल्ड फूड. नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, इट मींस आपको जो एनर्जी चाहिए सारी एनर्जी के लिए, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नीडेड ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी कहाँ से आएगी? आपके फूड के ऑक्सीडेशन से. तो जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ये तो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर ऑन द प्लांट फॉर देयर फूड. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज टू गेट एनर्जी देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ फूड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि फूड के ऑक्सीडेशन से ही आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है. इसीलिए एनर्जी को मिलने के लिए आपको किसकी जरूरत है? देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ फूड. फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है, तो जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि आपके जो प्लांट्स जो हैं ये अपना खाना खुद बना लेते हैं. दे सिंथेसाइज देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो एनिमल्स होते हैं, बट एनिमल्स आर हीटरोट्रॉफ. ये हीटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब दे डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड. तो जैसे कि जो एनिमल्स जो हीटरोट्रॉफ्स हैं दे उसमें से कुछ आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फूड. कुछ अपने फूड के लिए डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट. जो प्लांट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है दे आर नॉन अस हर्बीवोर. ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल. और कुछ जो है सम आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट. जो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट के लिए टू ऑब्टेन देयर फूड दोज एनिमल आर नॉन अस कार्निवोर. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक की बात कर ली. फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, इट मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड. एनिमल्स आर हीटरोट्रॉफिक इन नेचर, इट मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर फॉर कंज्यूमिंग ऑफ देयर फूड. सम आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट. दोज एनिमल विच आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट टू ऑब्टेन देयर फूड दे आर नॉन एज हर्बीवोर. एंड अदर एनिमल्स आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट दे आर नॉन एज कार्निवोर. पर आप लोगों ने एक टर्म और पढ़ी होगी, सैप्रोफाइट. What is the saprophytic? तो saprophytic जो organisms होते हैं जैसे some fungi belong to this class, ये dead और decaying organic matter के ऊपर depend करते हैं for their food. तो next point is saprotrophs एक होता है autotroph, एक होता है heterotroph और एक है saprotrophs. saprotrophic animals जैसे कि fungi है, इस class के अंदर fungi आती है. Saprotrophs like fungi, they depend on dead and decaying matter. सड़ा हुआ या फिर जो मरे हुए जो जानवर होते हैं, मरी हुई चीज के ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि अपने फूड के लिए. ठीक है, लाइक फंजाए डिपेंड ऑन डेड एंड डिकिंग मैटर.
ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करें कि मतलब अब आपने देखा कि अल्टीमेटली इन तीनों पॉइंट्स आपको क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अल्टीमेटली जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज रेस्पायर्ड टू रिलीज एनर्जी कम्स फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। आपको एनर्जी मिल रही है फूड के ऑक्सीडेशन से, फूड के ऑक्सीडेशन से ही एनर्जी रिलीज होती है जो कि आपको लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए एसेंशियल है। फिर अगर कार्निवोर है, हर्बीवोर है, ऑटोट्रॉफ है, हीटोट्रॉफ है, चाहे कहीं से भी हो, अल्टीमेटली वो एनर्जी कहां से आ रही है? इट कम्स फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पहले से नोट आउट कर लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अल्टीमेटली आपका ऑल द फूड दैट इज रेस्पायर्ड टू रिलीज एनर्जी ये कहां से आती है? इट कम्स फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज द स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन। जो स्टेप्स हैं रेस्पायरेशन के अंदर, सबसे पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द प्लांट एंड एनवायरमेंट। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है इसके अंदर कि वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि मोस्टली प्लांट्स के अंदर जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट है ये बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, इसीलिए इट इज अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वो भी अगर आपको उस चीज की जरूरत है तो। नेक्स्ट इज द सेलुलर रेस्पायरेशन। दिस आर द थ्री स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। इसमें से जो थर्ड स्टेप है दैट इज द सेलुलर रेस्पायरेशन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सेलुलर रेस्पायरेशन को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स इन रेस्पायरेशन। सबसे पहला स्टेप है आपका, इट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट स्टेप इज द वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वो भी अगर आपको जरूरत है तो। मोस्टली केसेस के अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट कि आपको प्लांट्स के अंदर बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, इसीलिए नेक्स्ट स्टेप इज द वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वो भी इफ इट इज रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड। एंड द थर्ड स्टेप दैट आर इन्वॉल्व इन द रेस्पायरेशन इज द सेलुलर रेस्पायरेशन। दिस आर द स्टेप्स इन रेस्पायरेशन। ठीक है, इन दिस चैप्टर We studied in detail about the step of respiration that occur in cell, that is the cellular respiration. Cellular respiration को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले से नोट आउट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अभी तो जस्ट एक स्मॉल इंट्रोडक्टरी पार्ट था, यहां से ध्यान से सुनिएगा what was the key सेलुलर रेस्पायरेशन। एग्जैक्टली मैंने बोला कि सेलुलर रेस्पायरेशन को हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सेलुलर रेस्पायरेशन होता क्या है? तो आपका ये जो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो द ब्रेकिंग ऑफ दैट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसका ये जो सिंगल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में ये जो सिंगल बॉन्ड है ये जब ब्रेक होगा, ठीक है, आप जब इस सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस सिंगल बॉन्ड के ब्रेक होने से आपकी एनर्जी रिलीज होती है। इट रिजल्ट इन द रिलीज इन एनर्जी। ठीक है,
इस कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड के अंदर जब ब्रेक होगा तो इट विल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इट विल स्टोर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, ये एटीपी के सिंथेसिस के लिए ये एनर्जी जो है आपकी वो ट्रैप हो जाती है, और इसको अपन बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होता है, समझ में आया कि द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लीडिंग टू द इट विल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी अब जो रिलीज हो रही है, तो ये बोल रहा है कि मतलब आपके सेलुलर रेस्पायरेशन के टाइम पे ये जो ब्रेकिंग से जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्यों सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी, ऑल द एनर्जी दैट कंटेंड इन ए कंपाउंड, इस कंपाउंड में सपोज जितनी भी एनर्जी है वो एक सिंगल स्टेप में रिलीज नहीं होगी। क्यों नहीं होता ऐसा कि एक सिंगल स्टेप में पूरी एनर्जी रिलीज क्यों नहीं होती, अगर सारी एनर्जी जो कि एक कंपाउंड के अंदर है वो एक सिंगल स्टेप में रिलीज होती होती तो इट विल कन्वर्ट इनटू हीट। इसीलिए एनर्जी जो कि आपके सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर रिलीज होती है इट इज अ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन दैट इज कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम एंड इट इज ट्रैप्ड एज द केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज सेलुलर रेस्पायरेशन, तो आपके कार्बन कार्बन के बीच के सिंगल बॉन्ड का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर इस कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड के टूटने से इट विल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये जो एनर्जी है ये ट्रैप होती है आपके फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इसको बोलते हैं अपन सेलुलर रेस्पायरेशन, मतलब इस बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी रिलीज हुई, ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये ट्रैप होती है आपकी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इसे बोला अपन ने सेलुलर रेस्पायरेशन। आपके सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर एक कंपाउंड के अंदर जितनी भी एनर्जी है, ऑल द एनर्जी दैट कंटेन्ड इन अ कंपाउंड इट इज नॉट रिलीज्ड इन अ सिंगल स्टेप, ये एक सिंगल स्टेप में पूरी एनर्जी रिलीज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि अगर वो उस कंपाउंड के अंदर, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जितनी भी एनर्जी है अगर वो एक सिंगल स्टेप के अंदर रिलीज करता होता तो वो सारी जो एनर्जी है इट विल कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है, इसीलिए आपके सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर जो एनर्जी जो रिलीज होती है इट इज अ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन, ये एक स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन होती है जिसे एंजाइम कंट्रोल्ड करता है, और ये जो एनर्जी इससे रिलीज होती है ये एनर्जी आपकी एज ए केमिकल एनर्जी के रूप में ट्रैप होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और अब ये जो एटीपी बना, ये एटीपी जो बनता है जहां पर भी आपको जैसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे वो एटीपी ब्रेक डाउन होता है, इसीलिए अपन एटीपी को क्या भी बोलते हैं, एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, इसे नोट आउट करो सबसे पहले। नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रेकिंग ऑफ, व्हाट इज सेलुलर रेस्पायरेशन ये समझा रही हूं मैं, द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लीडिंग टू रिलीज ऑफ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और आपकी ये जो एनर्जी अब जो रिलीज हो चुकी है एंड दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इट विल हीट, ये
एनर्जी ट्रैप होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इसको अपन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, इट इज नॉन एज सेलुलर रेस्पायरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि ये पूछा गया है कि सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है या फिर एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। तो इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। रीजन बिहाइंड दैट इज दैट कि अगर सिंगल स्टेप में सारी एनर्जी रिलीज होगी तो इट विल कन्वर्टेड इनटू हीट, इसीलिए एक स्टेप वाइज स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पायरेशन यहां पर सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट सेलुलर एस्पायरेशन के टाइम पे ऑल द एनर्जी, जितनी भी एनर्जी आपके कंपाउंड में है, कंटेन्ड इन ए कंपाउंड, जितनी भी एनर्जी आपके एक कंपाउंड के अंदर है, ये एक सिंगल स्टेप में नहीं रिलीज होती, इज नॉट रिलीज्ड इन अ सिंगल स्टेप। एक सिंगल स्टेप में सारी एनर्जी रिलीज नहीं होती, क्यों? क्योंकि अगर एक सिंगल स्टेप में होगी, बिकॉज If all energy it is released in a single step, तो क्या होता है? It is converted into heat. ये जो भी energy है ये heat के अंदर convert हो जाएगी। Then it is converted into heat. इसीलिए क्या होता है? So during the cellular respiration, एनर्जी आपकी जो रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड इन अ, कैसे रिलीज होती है? इट इज अ स्लो स्टेप वाइज सेलुलर रिएक्शन विच इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। और अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई सेलुलर रेस्पायरेशन से, इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, सो एनर्जी रिलीज्ड इन अ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन विच इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम एंड ट्रैप एज केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि आपका भी एटीपी का सिंथेसिस हो गया। यहां तक कैसे हुआ ये समझ में आ गया कि
सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर, सेलुलर रेस्पायरेशन क्या है ये बताया। अब सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर आपकी जो एनर्जी रिलीज होगी ये एक सिंगल स्टेप में नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर सारी एनर्जी एक सिंगल स्टेप में रिलीज होती होती तो ये हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती। इसीलिए इट इज अ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन जो कि एंजाइम के द्वारा कंट्रोल होती है, और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर ये ट्रैप होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। अब ये जो एटीपी, इसके अंदर एटीपी का जो सिंथेसिस हो चुका है, ये एटीपी क्या, जब भी अपन को व्हेनेवर एंड वेरेवर द नीड टू बी यूटिलाइज्ड, जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तब इस एटीपी का होता है ब्रेकडाउन। इसीलिए अपन एटीपी को क्या बोलते हैं, एटीपी इट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। व्हाई इट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि एटीपी के ब्रेकडाउन से ही आपको एनर्जी मिलती है, इसीलिए एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, इसे नोट आउट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका एटीपी जिसका सिंथेसिस हो चुका है, अब ये क्या होगा, एटीपी ये जो बन चुका है इसके अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द सेलुलर रेस्पायरेशन, एटीपी द सिंथेसाइज्ड ये क्या होता है, ये एटीपी का होता है ब्रेकडाउन। इस ब्रेकडाउन आपको व्हेनेवर, जब कभी भी और जहां पर भी, व्हेनेवर और एंड वेरेवर एनर्जी नीड टू बी यूटिलाइज्ड। इसीलिए अपन एटीपी को क्या बोलते हैं, एटीपी इज नॉन एज द, इट इज नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें से जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसमें से मोस्टली अगर क्वेश्चन बनता है तो इन तीन चीजों से बनता है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है। एक तो ये कि आपका जो रिलीज ऑफ एनर्जी है सेलुलर रेस्पायरेशन, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस और अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो एज आई टोल्ड यू इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो यहां से बनता है, इट इज दैट, अब मैं ये बोल रही हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है, इट डजेंट मीन कि अभी तक जो पढ़ा है इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज द बेसिक जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होंगे फॉर टू अंडरस्टैंड द फर्दर थिंग्स। ओके, पर मैं बता रही हूं अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन तीन जगहों के अलावा कहीं से नहीं बनता इंट्रोडक्टरी पार्ट में। पहला क्वेश्चन तो यही कि आपके जो सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो सिंगल स्टेप में होती है या इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। तो इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। रीजन आई टोल्ड यू कि बीएचयू और एम्स के अंदर स्पेशली रीजन पूछा जाता है, आपके ऑल इंडिया पीएमटी और स्टेट पीएमटी में तो रीजन भी नहीं पूछते हैं, उनका लेवल इतना अच्छा नहीं होता, उसमें ये रीजन पूछा जाता है कि क्यों मल्टी स्टेप प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। द रीजन इज दैट अगर सिंगल स्टेप में सारी एनर्जी निकलेगी तो इट विल कन्वर्टेड इनटू हीट। इस वजह से जो भी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी एक कंपाउंड में है, इट इज रिलीज्ड इन अ सिंगल स्टेप वाइज रिएक्शन। ठीक है, स्टेट पीएमटी का क्वेश्चन है ये, एटीपी को क्या बोलते हैं, इट इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, स्टेट पीएमटी में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अगर नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके एआईपीएमटी में फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो इट कम फ्रॉम हियर कि आपका जो रेस्पायरेशन है इट इज एन एम्फीबॉलिक एंड एक्सर्गोनिक प्रोसेस। एम्फीबॉलिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीबॉलिक, एनाबॉलिक सुना होगा, कैटाबॉलिक सुना होगा, व्हाट इज एम्फीबॉलिक? रेस्पायरेशन आपका एक एम्फीबॉलिक और एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। एंडरगोनिक सुना होगा ना, इट इज द एनर्जी यूटिलाइजिंग, एक्सर्गोनिक मींस एनर्जी रिलीज होती है, एम्फीबॉलिक मतलब क्या होता है,
एम्फीबॉलिक, एनाबॉलिक क्या होता है आपका, इट इज अ सिंथेसाइज रिएक्शन. कैटाबॉलिक क्या होता है, इट इज द डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन. इट थिंग एवरीबडी नो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, दोनों ही चीजें देखने को मिलती है आपको रेस्पायरेशन में. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एम्फीबॉलिक प्रोसेस. तो आपका जो रेस्पायरेशन है इट इज द एम्फीबॉलिक एंड एक्सर्गोनिक सेलुलर प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द आपका, अब जो क्वेश्चन बनता है रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा यूटिलाइज होता है, कौन से सीक्वेंस में होता है, यहां से बनता है. सबसे पहले था रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होता क्या है आपका, व्हाट इज द रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट. तो आपका जो भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है, जिस भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से ही एनर्जी रिलीज होगी, तो जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है आपके रेस्पायरेशन के टाइम पर उसे अपन बोलते हैं रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट. मोस्टली आपका रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट. अगर कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी कम है या फिर वो एब्सेंट है तो उस केस में आपके फैट और प्रोटीन यूज होते हैं. ठीक है, रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट आपके कौन कौन से हैं, इट इज द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड द ऑर्गेनिक एसिड. मोस्टली आपका रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में कार्बोहाइड्रेट ही यूज होता है. अगर कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी या तो कम है या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो एब्सेंट है, उस कंडीशन में आपके फैट और प्रोटीन यूटिलाइज होते हैं. इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है आपके रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट का. सबसे पहले यूटिलाइज होता है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के बाद नंबर आता है फैट का, फैट बर्न होता है. सबसे लास्ट में आपका प्रोटीन यूटिलाइज होता है एज अ रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट. तो द कंपाउंड जो भी कंपाउंड आपका ऑक्सीडाइज होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, द कंपाउंड दैट इज ऑक्सीडाइज्ड जिसका ऑक्सीडेशन होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इसको अपन बोलते हैं रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट. इट इज नॉन एज रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट. ठीक है, कौन कौन से हैं आपके रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट. तो इट इज द कार्बोहाइड्रेट, फैट. इसीलिए जब कोई इंसान डाइटिंग करता है, ओबेस पर्सन जो डाइटिंग प्रोसेस करते हैं, फैट बहुत धीरे धीरे कम होता है. व्हाट वाज द रीजन, क्योंकि सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट. इसीलिए बोलते हैं डॉक्टर कभी भी आपको डाइटिंग एडवाइस नहीं करता है. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि फैट जो है सबसे पहला आपका जो कार्बोहाइड्रेट विच इज असेंशियल फॉर द एनर्जी, तो कमजोरी आती है, बोलते हैं डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स हु आर रिक्वायर्ड कि हाँ डाइटिंग कर लेते हैं, तो उनको बोलते हैं कि ग्लो चला जाता है फेस का. व्हाट वाज द रीजन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो कि बहुत असेंशियल है हमारे लाइफ में एनर्जी के लिए, डाइटिंग में क्या करता है, आपको पूरी प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा. उसमें क्या होता है, आपको मैंने इसमें जैसे बता रही हूं कि रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट बर्न होगा. अपन को बर्न कराना है फैट, लेकिन सबसे पहले जाता है कार्बोहाइड्रेट. रिजल्ट ऑफ दिस इज वीकनेस. उसके बाद बर्न होना शुरू होता है आपका फैट और कुछ एक्सट्रीम प्रोटीन. प्रोटीन भी बर्न होता है, प्रोटीन आपका स्टार्वेशन, भुखमरी जिन लोगों में होती है उस कंडीशन में या फिर डिसीज कंडीशन में, बीमारी के टाइम पे प्रोटीन आर यूज एज द रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट. और जब आप रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में प्रोटीन यूज हो, प्रोटीन का यूटिलाइजेशन हो, इट इज नॉन एज द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट. खैर वो बाद की चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. यहां पर देखो कि क्या क्या चीजें एज अ रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज होती है. इट इज द कार्बोहाइड्रेट, फैट, नेक्स्ट थिंग इज द प्रोटीन एंड द ऑर्गेनिक एसिड. आपका सबसे पहले क्या,
कार्बोहाइड्रेट आर यूज एज द रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, वैसे तो कार्बोहाइड्रेट ही आपका यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज एज रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट आपका फैट या फिर प्रोटीन कब यूटिलाइज होगा, जब कार्बोहाइड्रेट या तो एब्सेंट हो या फिर इसकी अवेलेबिलिटी कम हो, इफ देयर इज, ऐसे लिख लो, इफ कार्बोहाइड्रेट आर एब्सेंट और लेस अवेलेबल उस कंडीशन में आपके प्रोटीन एंड फैट आर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, देन फैट एंड प्रोटीन they are used as respiratory substrate. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इसका सीक्वेंस रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट की, सबसे पहले क्या यूज होता है उसके बाद क्या यूज होता है, पहले इसे नोट आउट कर लीजिए. तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपके रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट में क्या क्या यूज होता है, इट इज द कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन एंड द ऑर्गेनिक एसिड. अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सीक्वेंस क्या है. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ यूज ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, इसलिए तो डाइटिंग बीच में ही छूट जाती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पहले, सबसे पहले पूरा यूटिलाइज होएगा, पूरी एनर्जी तब तक डाउन हो जाती है, तो तब तक तो हम लोग गिव अप ही कर देते हैं फॉर द डाइटिंग, और उसके डाउन होने के बाद ही आपका फैट बर्न होना स्टार्ट होना होता है. ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, सबसे पहले आपका यूटिलाइज होता है कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट थिंग विच इज यूटिलाइज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट इट इज द फैट, एंड द लास्ट थिंग विच इज यूटिलाइज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट इट इज द प्रोटीन. ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है फॉर द यूज ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होगा, उसके बाद फैट यूटिलाइज होता है, इसके बाद प्रोटीन यूटिलाइज होता है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक एसिड भी एज ए रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट यूज आता है. तो ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि अपना मैलिक एसिड जो है, ये रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट एज ए रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट काम आता है आपके सक्यूलेंट ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर, दैट इज सीएम प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग द डे टाइम. याद रखिएगा ये पॉइंट भी कि आपका जो ऑर्गेनिक एसिड है जैसे कि मैलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो है सच एज मैलिक एसिड ये यूज आता है, आर यूज्ड एज ए रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट किनके अंदर काम आता है, ये सक्यूलेंट ज़ेरोफाइट्स, दोस प्लांट्स विच आर फाउंड इन द डेसर्ट्स, दैट इज द सी ए एम प्लांट्स. ठीक है, आर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट इन सक्यूलेंट ज़ेरोफाइट्स
क्रेसुलेशन फैमिली के मेंबर होते हैं ये, ठीक है। सक्यूलेंट, ज़ेरोफाइट्स, यानी कि आपके सीएएम प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट दो टर्म है आपकी, फर्स्ट इज द फ्लोटिंग रेस्पायरेशन एंड सेकेंड इज द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। व्हाट इज फ्लोटिंग रेस्पायरेशन? जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके जो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है ये तीन चीजें हैं। अगर आप एज ए रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आपका ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, सुक्रोज हो गया, हेक्सोज हो गया, या फिर फैट यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। अगर आपका रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट है तो उस रेस्पायरेशन को अपन बोलते हैं, इट इज नोन एज द फ्लोटिंग रेस्पायरेशन, ठीक है। फ्लोटिंग रेस्पायरेशन क्या है? अगर आपका रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट। नेक्स्ट टर्म इज द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन? अगर आपका प्रोटीन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन, इफ प्रोटीन इज ऑक्सीडाइज्ड एट द टाइम ऑफ रेस्पायरेशन, देन दिस टाइप ऑफ रेस्पायरेशन इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। आपका ये जो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन है, प्रोटोप्लाज्मिक या फिर सेलुलर रेस्पायरेशन, ये कब देखने को मिलता है? इट अकर एट द टाइम ऑफ स्टार्वेशन या फिर डिजीज कंडीशन के अंदर, ठीक है। एक है फ्लोटिंग रेस्पायरेशन। फ्लोटिंग रेस्पायरेशन क्या? जब ये दोनों कार्बोहाइड्रेट और फैट दे आर यूटिलाइज एज ए रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट तो बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पायरेशन। व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन? अगर आपका रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज हो रहा है प्रोटीन तो उसको अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। एंड अगेन इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन है ये आपके स्टार्वेशन या फिर डिसीज कंडीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हेन, अगर आपका कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है, व्हेन कार्बोहाइड्रेट जैसे कि व्हेन कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर फैट यूज हो, या तो कार्बोहाइड्रेट यूज हो या फिर फैट यूज हो, आर यूज एज ए रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट तो रेस्पायरेशन को अपन क्या बोलेंगे? देन इट इज नॉन एज, इसको बोलते हैं अपन फ्लोटिंग रेस्पायरेशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट यूज हो रहा है आपका एज ए रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट तो बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पायरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन? लिख लिया इसे आप लोगों ने? रब कर दूं मैं इसे? नेक्स्ट इज द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। आपका प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन क्या होता है? अगर प्रोटीन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, व्हेन प्रोटीन इज ऑक्सीडाइज्ड when protein is oxidized during the respiration तो इसे अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन।
और आपका ये जो प्रोटोप्लास्मिक और जो सेलुलर कंपोनेंट है ये यूज होता है एट द टाइम ऑफ स्टार्वेशन और द डिसीज। ठीक है, प्रोटोप्लास्मिक और सेलुलर कंपोनेंट दे आर यूटिलाइज्ड किस कंडीशन में, एट द टाइम ऑफ स्टार्वेशन या फिर डिजीज की कंडीशन में। ठीक है, यहां तक आया आपको समझ में, व्हाट इज द फ्लोटिंग रेस्पायरेशन, व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। फ्लोटिंग रेस्पायरेशन, अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट आपका एज ए रेस्पायरेटरी सब्सट्रेट यूटिलाइज हो रहा है, अगर आज प्रोटीन आपका एज ए रेस्पायरेटरी सब्सट्रेट यूटिलाइज हो रहा है तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। एक एक्सेप्शन है, दैट इज आपके लेग्यूम प्लांट्स के अंदर, लेग्यूम सीड्स के अंदर आपका प्रोटीन जब ऑक्सीडाइज्ड होता है तो होना क्या चाहिए, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। लेकिन उसे अपन क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेस्पायरेशन, क्योंकि स्टोर्ड फूड ही उनका प्रोटीन होता है। इस वजह से लेग्यूम सीड्स के अंदर, लेग्यूम प्लांट्स के अंदर प्रोटीन जब यूटिलाइज होता है ऐसे रेस्पायरेटरी सब्सट्रेट, एक्सेप्शनली उसे भी अपन क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेस्पायरेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्शनली आपका प्रोटीन इट इज यूटिलाइज्ड एज अ रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट ठीक है। लेकिन इसको भी अपन क्या बोलते हैं, इन लेग्यूम सीड्स के अंदर इट इज नॉन एज इसको बोलेंगे अपन फ्लोटिंग रेस्पायरेशन। क्योंकि आपके जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं इनके अंदर आपका स्टोर्ड फूड होता है प्रोटीन। ठीक है, इसे नोट आउट कर लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर, आपके एनसीईआरटी जो बुक है उसके अंदर एक ऐसा टॉपिक दे रखा है, डू प्लांट्स ब्रीथ। क्या आपके प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं? क्योंकि आपको ही तो पता है कि प्लांट्स के पास कोई स्पेशल रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता जैसे कि हम लोगों के पास होता है। फिर उसका रीजन क्या है, प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड रेस्पायरेटरी ऑर्गन बिकॉज तीन रीजंस हैं। जैसे अपने एनिमल्स के अंदर, अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पायरेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड रेस्पायरेटरी ऑर्गन होता है, प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई भी स्पेशलाइज्ड रेस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? आपका पहला रीजन तो ये है कि प्लांट के अंदर, प्लांट का हर एक पार्ट, दे टेक केयर ऑफ देयर ओन गैसेस एक्सचेंज, हर एक पार्ट अपना खुद के गैसेस एक्सचेंज का वो ध्यान खुद रखता है। सेकेंड पॉइंट इज दिस कि जो प्लांट के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो रेस्पायरेशन के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो एनवायरमेंट से डिपेंडेंसी उसकी बहुत कम होती है।
लास्ट पॉइंट इज दैट, सबसे पहला पॉइंट लिख लो पहले, कि क्यों इसको स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती फॉर द रेस्पिरेशन प्लांट्स, बिकॉज ईच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक केयर ऑफ देयर ऑन गैशियस एक्सचेंज. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रेस्पायरेशन के लिए जो गैसेस का एक्सचेंज चाहिए होता है, ये इसकी डिपेंडेंसी बहुत ही कम होती है एनवायरनमेंट में प्लांट्स के लिए. ठीक है, तो प्लांट्स आर लेस डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट फॉर रेस्पिरेटरी गैशियस एक्सचेंज. इसलिए एक तो इनको स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती, लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग टू दिस इज दैट कि आपकी जो प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, इसमें जिन गैसेस का डिफ्यूजन होना है, जो डिफ्यूजिंग गैसेस है, उनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ता. तो लास्ट पॉइंट कि क्यों इनको स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं होती, बिकॉज इन प्लांट बॉडी आपकी जो डिफ्यूजिंग गैसेस हैं दे डू नॉट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, तो तीन रीजन है कि आपके प्लांट को एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती. क्योंकि पहली बात तो रीजन ये कि आप प्लांट का हर एक पार्ट अपने खुद के गैसेस एक्सचेंज का ध्यान वो खुद रखता है. दूसरी चीज ये कि रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज के लिए प्लांट जो है उनकी डिपेंडेंसी बहुत कम होती है एनवायरनमेंट पे. तीसरा रीजन ये कि प्लांट बॉडी में जिन गैसेस का डिफ्यूजन होना है, यानी कि जो डिफ्यूजिंग गैसेस है, उनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ता. इन तीनों रीजंस की वजह से प्लांट्स को स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, इट विल एंड अप विद द टुडेज लेक्चर. इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो यहां पर खत्म होता है. नेक्स्ट क्लास के अंदर में आपसे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन और ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करेंगे हम लोग. समरी ऑफ द टुडेज लेक्चर सिर्फ वो बताती हूँ विच इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहला तो ये कि आपका मतलब जितनी भी एनर्जी आपको लाइफ प्रोसेस के लिए चाहिए वो सारी कहाँ से आती है, इट कम्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ठीक है, और वो मतलब जो भी फूड जो कि रेस्पायर कर रहे हैं एनर्जी, ये अल्टीमेटली कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस. फिर नेक्स्ट थिंग ये था कि आपका सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होता है. तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है, इसके ब्रेक से जो एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी ट्रैप होती है आपकी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, इसको बोलते हैं अपन सेलुलर रेस्पिरेशन. अब आपका ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसके अंदर सारी एनर्जी जो है एक सिंगल स्टेप प्रोसेस में रिलीज नहीं होगी. इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, इट इज अ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन. क्यों नहीं होती सिंगल स्टेप में सारी एनर्जी रिलीज, क्योंकि अगर सारी एनर्जी एक ही स्टेप के अंदर रिलीज हो जाएगी तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द हीट. इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर आपकी एनर्जी जो रिलीज होती है, इट इज अ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन विच इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम एंड इट इज ट्रैप्ड एज अ केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. अब आपका जो एटीपी बना इसके अंदर ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, ये एटीपी आपको जब कभी भी एनर्जी की जरूरत होगी, जहां पर भी एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, आपको एनर्जी मिलेगी. और इसीलिए अपन एटीपी को क्या भी बोलते हैं, इट इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग इट इज इंपॉर्टेंट, आपका रेस्पिरेशन क्या है, इट इज एम्फीबॉलिक एंड एक्सर्गोनिक सेलुलर प्रोसेस. अभी तक जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी मतलब रिविजन के अंदर,
इसमें से तीन चीजें याद रखना कि सेलुलर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. रेस्पायरेशन इज अ एम्फीबॉलिक एंड एक्सर्गोनिक सेलुलर प्रोसेस. ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग इज द रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट. तो रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या होते थे कि जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है आपका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पायरेशन उसे अपन बोलते हैं रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट. रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड यूटिलाइज होते हैं. वैसे तो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होता है आपका एज ए रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट. अगर कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी कम है या फिर एब्सेंट है उस कंडीशन में आपका फैट और प्रोटीन दे आर यूज एज ए रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट. सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, उसके बाद आपका यूज होता है फैट एंड द लास्ट इज द प्रोटीन. नेक्स्ट थिंग इज दैट ऑर्गेनिक एसिड के बारे में एक पॉइंट दे रखा है कि ऑर्गेनिक एसिड यानी कि आपका जो मैलिक एसिड है ये एज ए रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट यूज होता है आपके सक्यूलेंट 05 दैट इज द सीएम प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग द डे टाइम. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज द फ्लोटिंग रेस्पायरेशन, व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन. तो अगर कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट यूज हो रहा है आपका एज ए रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट तो अपन बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पायरेशन. अगर आपका प्रोटीन यूज हो रहा है ऐसे रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट तो उसे अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन. और जब आपका प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट और सेलुलर कंपोनेंट ये कब यूज होते हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्वेशन यानी कि भुखमरी के टाइम पे या फिर डिसीज कंडीशन के अंदर. इन दो कंडीशन के अंदर आपका प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होता है एज ए रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट. एक एक्सेप्शन बताया था, वैसे तो अगर प्रोटीन यूज हो रहा है एज ए रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट तो उसे अपन बोल रहे हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन. लेकिन एक्सेप्शनली आपके लेग्यूम सीड्स के अंदर प्रोटीन आर यूटिलाइज एज ए रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट और फिर भी उसे अपन क्या बोलते हैं, इट इज नॉन एज द फ्लोटिंग रेस्पायरेशन. ठीक है, इट विल एंड अप विद द टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लोग व्हाट इज एरोबिक रेस्पायरेशन, व्हाट इज एनएरोबिक रेस्पायरेशन और ग्लाइकोलाइसिस जो ईएमपी पाथवे है आपका उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज का लेक्चर इट इज वेरी इजी फ्रॉम द बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पन्ने स्किप करोगे घर जाके तो इट विल बी ऑन योर टिप्स. ठीक है, इसीलिए घर जाके आज के लेक्चर को पढ़िएगा. थैंक यू.